हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। गाइस देखिए, इससे पहले आप मेरी वीडियो देखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही आपको बताया गया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी के बारे में बताया गया। आज मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो नीले शैवाल एवं बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब सभी एनिमल्स एंड प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके गाइस, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है या ऑर्गेनल्स होता है जो नीले शैवाल एवं बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जो एक झिल्ली की आवरण होती है जो लचीली तथा मुलायम होती है। ओके गाइस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो चारों ओर एक झिल्ली का आवरण बना है, ये कैसी होती है? देखिए, ये बाहरी आवरण के बारे में बता रहे हैं, बाह्य झिल्ली मतलब कि बाहरी आवरण। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जो झिल्ली का आवरण होता है वो लचीली तथा मुलायम होता है जो प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। ओके गाइस, ये प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, देखिए गाइस, आंतरिक झिल्ली ये वाली झिल्ली के बारे में बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो वलयाकार आकार की होती है, मतलब कुछ रिंग के आकार की होती है, घुंघराले आकार की होती है। देखिए गाइस, कुछ ऐसे रिंग के आकार की बनी हुई है। तो ये वलयाकार आकार की होती है जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और गाइस, ये देखिए, क्रिस्टी के नाम से कुछ ऐसे क्रिस्टी बने होते हैं जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली होते हैं उसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि क्रिस्टी क्या होता है और क्रिस्टी की खोज किसने की थी। तो गाइस, क्रिस्टी की खोज फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी की थी? फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने। गाइस, क्रिस्टी की खोज जो हमारी की थी वो फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके गाइस, दूसरी चीज अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होता है उसके अंदर क्या होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी मतलब बने होते हैं, ये कुछ इस तरीके से क्रिस्टी बने हुए हैं एंड उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब कि इस वल्याकार रिंग के अंदर, वल्याकार झिल्ली के अंदर कुछ मैट्रिक्स पदार्थ पाए जाते हैं जैसे डीएनए, राइबोसोम। देखिए गाइस, डीएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, और कुछ ऊतक पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इस तरह के इस मैट्रिक्स के अंदर, मतलब कि क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स पदार्थ और कुछ कोशिकांग एंड कुछ ऊतक, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले से बात करते हैं हम डीएनए की। देखिए, डीएनए आपके सामने लिखा हुआ है, ये डीएनए। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का होता है, वो किसी से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें डीएनए स्वयं का होता है। ओके गाइस, दूसरी चीज राइबोसोम। राइबोसोम देखिए कुछ इस प्रकार का बना होता है, इस तरीके ये डायग्राम बना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, हम बना दे रहे हैं। राइबोसोम कुछ इस प्रकार का गोला, एक छोटा और एक बड़ा बना हुआ होता है। ऐसे राइबोसोम बना होता है जिसमें एक 70 एस होते हैं और एक 80 एस राइबोसोम होते हैं। गाइस, तो 70 एस राइबोसोम और 80 एस दो बने होते हैं, मैंने एक ही बनाया। ओके गाइस, तो गाइस देखिए, राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिससे 70 एस नाम से जानते हैं और 80 एस नाम से जानते हैं। तो अभी इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं वो 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। गाइस, 70 एस प्रकार के राइबोसोम हमारे मैट्रिक्स के अंदर, मतलब की आंतरिक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी चीज, राइबोसोम जो होता है उसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रोटीन की फैक्ट्री। अब बात करते हैं क्या नाम है, देखिए आपको इतना चीज समझ में आ गया किसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अवधि होती है वो कितनी होती है गाइस? वो 5 से 10 डेज, मतलब 5 से 10 डेज माइटोकॉन्ड्रिया की अवधि होती है। यह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो होता है वो 5 से 10 दिन होता है और इसकी लंबाई, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई गाइस 3 से 5 माइक्रो होता है। कितनी होता है? 3 से 5 माइक्रो इसकी लंबाई होती है।
तथा मोटाई कितनी होती है गाइस 60 एंगस्ट्रॉम, लंबाई 3 से 5 माइक्रो होती है और इसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके गाइस, दूसरी चीज गाइस हम बात करते हैं आप माइटोकांड्रिया जो हमारा होता है वो क्या, माइटोकांड्रिया में जो संख्या होती है सेल की वो कितनी होती है, माइटोकांड्रिया में सेल की जो संख्या होती है मतलब माइटोकांड्रिया के अंदर जो कोशिका होती है कितनी होते हैं, तो 500 से लेकर 1600 तो कोशिका हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर होते हैं, मतलब हमारे मैट्रिक्स अंत झिल्ली जो अंतवाल झिल्ली है उसके अंदर हमारे 500 से 1600 कोशिका पाई जाती है, मतलब की सेल या कोशिका पाई जाती है। ओके गाइस, दूसरी चीज गाइस माइटोकांड्रिया में एटीपी पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। गाइस हमारे माइटोकांड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होता है। तो जब भी हमें गाइस हमारे शरीर में जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम माइटोकांड्रिया से ऊर्जा प्राप्त करके अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ओके गाइस, देखिए गाइस अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई होगी थोड़ा मैं स्पीड में बोल दी हूँ तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। देखिए माइटोकांड्रिया में एटीपी पाया जाता है, मतलब एटीपी का निर्माण होता है जिसमें जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, और जब भी हमारे शरीर को गाइस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकांड्रिया से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अपने कार्य को पूरा करने में सफल हो जाता है, और इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस और ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि माइटोकांड्रिया का यूज क्या होता है, माइटोकांड्रिया कार्य क्या करता है, मतलब हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया का यूज होता क्या है। तो माइटोकांड्रिया ये हमारे शरीर में क्रैब्स चक्र का निर्माण करता है, ये एटीपी को एकत्रित करके एडीपी में परिवर्तित करता है, मतलब एटीपी का मतलब होता है गाइस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो गाइस ये क्रैब्स चक्र का निर्माण करता है, ये एटीपी को एकत्रित करके एडीपी का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है, ये माइटोकांड्रिया का यूज हो गया। ओके गाइस, तो हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया मतलब बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो गाइस आपको जहाँ पे ना समझ में आई हो हमारी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो अब मैं माइटोकांड्रिया के बारे में आपको इतना बता दिया। अब देखिए बात करते हैं ये कि माइटोकांड्रिया में एसएससी में मतलब कि या फिर जो भी मतलब कि आप तैयारी करते हैं एसएससी है सीजीएल है उसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है ना माइटोकांड्रिया से रिलेटेड। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ पहला क्वेश्चन तो आपका सबसे पहले गाइस आपका पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछ सकता है कि माइटोकांड्रिया गाइस क्या पूछ सकता है कि माइटोकांड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। गाइस माइटोकांड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। ओके गाइस सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि माइटोकांड्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा गाइस बन सकता है कि माइटोकांड्रिया को नाम किसने दिया था। आपका चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि माइटोकांड्रिया में कितने चक्र होते हैं और कौन कौन से चक्र होते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन माइटोकांड्रिया से बने। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं है ना आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो गाइस अगर आप पॉइंट टू पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपको माइटोकांड्रिया से कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जब भी आप लोग जूलॉजी का टॉपिक या मतलब कि बायोलॉजी जब भी आप लोग जूलॉजी बायोलॉजी मतलब कि बायो का टॉपिक जब भी आप लोग पढ़े उसमें क्या होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपको कितना रटते हो कितना देखते हो कितना समझते हो, आप ये इम्पोर्टेंट कर देखते हो ये चीजें आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या इसमें पॉइंटेड है और कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही वीडियो समाप्त। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक दूंगी एंजाइम के बारे में।